नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी। तो राजकुंद्रा जो कि अरेस्ट हो गए हैं शिल्पा शेट्टी के पति, और शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा की टोटल कमाई कैसे होती है इन एप्लीकेशन से, ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि राजकुंद्रा किस मामले में अरेस्ट हुए हैं, तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, वो दे दूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि राजकुंद्रा की ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें कहीं वो अपनी बीवी को योगा करवाते हुए दिखाते हैं, कहीं उसमें वो अपने ऐसी जो ये नंगता वाली जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं और जिस एप्लीकेशन में उनको अरेस्ट किया गया है हॉटस्पॉट, उसमें वो इस तरीके की वीडियोस डालते हैं, सॉफ्ट पॉर्न जिसे कहा जा सकता है। इस तरीके की वीडियो डाल के कैसे पैसा कमाते हैं राजकुंद्रा। अब ये कंटेंट की जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें जब आप अपनी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के बाद जब वो गूगल उसे सर्टिफाई कर देता है उस एप्लीकेशन को, तो गूगल उसमें आपको पर इम्प्रेशन, माफ करिएगा, पर इम्प्रेशन मतलब कि पर व्यू पे आपको पैसे देता है। तो मतलब मान लीजिए, जो कि मैंने देखा भी है राजकुंद्रा की वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखी भी है बाकायदा, अगर आप उस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो बाकायदा उनकी एक एक वीडियो पे 5 से 6 लाख व्यूज़ हैं पर वीडियो पे, जो कि 1 से 2 मिनट की वीडियो है। ऐसी आपको ना जाने कितनी वीडियोस मिलेंगी, उसमें से कुछ तो इतनी आपत्तिजनक वीडियो हैं कि आप देख ही नहीं पाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे अपनी। सो इस तरीके से गोरख धंधा इस पूरी एप्लीकेशन का चलता है, क्योंकि डिजिटल में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म या जो कंटेंट क्रिएशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का होता है उस पर आपको कोई भी रोक नहीं की जा सकती है। और अभी भी भारत में इस, जबकि आज एक डिजिटल एरा है, आजकल हर काम एक डिजिटल एरा पे ही होता है। आज का आपको किसी को बुलाना है तो ईमेल करिए, कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑनलाइन होती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय कानून अभी भी सख्त नहीं हुआ है डिजिटल गाइडलाइंस को लेके या डिजिटल कंटेंट को लेके। इसी का फ़ायदा ये कंटेंट क्रिएटर्स या फिर ये कंटेंट ये एप्लीकेशंस के मालिक उठाते हैं। और आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में प्रोनोग्राफी या सॉफ्ट पॉर्न की जो मार्केट है वो नाना करते हुए भी 4 लाख करोड़ की है। जी हाँ, 4 लाख करोड़ की ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप सोच सकते हैं कि राजकुंद्रा ने विद इन द स्पैन ऑफ मात्र 10 महीने में करोड़ों रुपया अपनी जेब में रखा और उसके बाद चलता बन गए। लेकिन उनको ये भारी पड़ा ये व्हाट्सएप चैट जो कि अभी लीक हो गई है। इस व्हाट्सएप चैट में वो खुलेआम ये पूछ रहे हैं कि कैसे बुलाया जाए लड़कियों को, किस तरीके से उनका शोषण किया जाए एंड फलाना ठिकाना। और वहाँ पे उनके 3 पढ़े लिखे लोग जो कि IIM ग्रेजुएट हैं वो भी इस पे पूरी कॉन्वर्सेशन और हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि फॉर देम इट्स ऑल अबाउट मनी। इसी तरीके की मैं विशेष खबरें आपको लाती रहूँगी इस केस में या इससे रिलेटेड किसी भी केस में। प्रोनोग्राफी या सॉफ्ट प्रोनोग्राफी बहुत सारे देशों में लीगल भी है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। राजकुंद्रा शायद ये भूल गए थे, लेकिन हमारे देश का कानून इतना पेचीदा है कि शायद उन्हें 3 दिन की रिमांड के बाद और कुछ महीने या हफ्ते की जेल के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने उनका निशान देखा होगा तो वो ऐसे विक्ट्री साइन बना रहे थे। विक्ट्री साइन तभी आदमी बनाता है जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है या ओवर कॉन्फिडेंट होता है। अंडर कॉन्फिडेंट आदमी कभी भी ऐसे विक्ट्री साइन नहीं बनाता, क्योंकि पैसा तो भाई साहब दबा ही चुके हैं। आई एम श्योर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत माँ।